हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। कई जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम फेडरलिज्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर भी है और एग्जाम वाली चैप्टर भी है। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करें। देखिए, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अब जो इस वीडियो में पढ़ेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ने से पहले, इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आज़ादी मिल गई थी 1947 में, देन उसके बाद जो 1951 में इलेक्शन हुए। 1951 में इलेक्शन में हमारे जो इलेक्शन हुए थे वो 6 महीने चले थे। इलेक्शन कब तक चले थे? 6 महीने चले थे, यानी कि 1951 से लेकर 1952 तक हमारे इलेक्शन चले थे। उस टाइम जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, मैं आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। 1951 से लेकर 1952 तक जो है हमारे इलेक्शन चले, यानी कि 6 महीने तक हमारे इलेक्शन चले। देन उसके बाद जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, 1956 तक जो है सरकार चली। उसके बाद जो है दोबारा इलेक्शन हुए 1956 में, 1956 में दोबारा सरकार, दोबारा इलेक्शन हुए, फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। देन उसके 1961 में हुए, फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, यानी कि 1966 जो है 1966 तक कांग्रेस पार्टी के एक तरीके दबदबा रहा, ठीक है। हालांकि इस दौर में जो है 1951 से लेकर 1967 तक तकरीबन जो है कुछ स्टेट में, जैसे केरला हुआ या अदर कुछ स्टेट हुए, उनमें भी अदर पार्टी की गवर्नमेंट आती रही, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के अलावा जो है और भी गवर्नमेंट भी आती रही, मतलब एक दो स्टेट में, ज़्यादा नहीं, लेकिन पूरी में जो मेजोरिटी होती थी वो कांग्रेस पार्टी की होती थी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इस पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ में हम जो बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि गठबंधन की सरकार बनना है। क्या बनना है? यानी कि गठबंधन की सरकार बनना, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, बहुत इजी है, मतलब कि जो बेस, जो मेन पॉइंट है वो आपको अंडरलाइन करवा दूंगा और आपको बहुत जरूरी याद रखना है, ठीक है। देखिए, रिस्ट्रक्चर इन द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथन्ड। स्ट्रेंथन्ड का मीनिंग होता है मजबूत बनना। इन प्रैक्टिस में रिस्ट्रक्चर इन द सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि सेंटर जो सेंटर रिलेशन, स्टेट और सेंटर के रिलेशन जो है उनको रीस्ट्रक्चर, यानी कि दोबारा बनाना, इस वन मोर वे, ये दूसरा तरीका है, इन विच इसमें फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथन्ड इन प्रैक्टिस, यानी कि फेडरलिज्म में जो है सेंटर स्टेट के रिलेशन स्ट्रेंथन्ड हो जाते हैं, यानी मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। देखिए, आप लोग जानते हैं हमारे जो फेडरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास, सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, आप लोग जानते भी हैं। और मैंने आपको पहले दिन से, जब मैंने आपको 10th सेक्शन में डायग्राम एक्सप्लेन किया था, डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया था, आप लोगों को डायग्राम याद होगा। जब वो डायग्राम के थ्रू ना आप पूरे चैप्टर को समझ चुके हो, अगर जिसने भी डायग्राम को अच्छे से समझाया, अब आप ये देखिए, अभी तक जितना भी हम चैप्टर लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट जरूर बाकी है, डिसेंट्रलाइजेशन का चैप्टर बाकी है, उसमें म्यूनसिपालिटी और पंचायत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत इसके बाद जो आने वाला है बहुत जल्दी, डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो म्यूनसिपालिटी और पंचायत से रिलेटेड है, वो आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। अब आप देखिए, जो हम पढ़ते जा रहे हैं चीज़ें वहीं की वहीं हैं, कि वो डायग्राम के थ्रू उसी तरीके से ये बात को बोला है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट किया गया है पावर को शेयर करने का, जो पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज हुआ और लीडर कैसे इसको अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट। देखिए, मैंने आपको बताया था 1951 से लेकर 1967 तक तकरीबन यही चीज़ें देखने को मिली, एक ही पार्टी राज कर रही है स्टेट में, यानी कि सेंटर में भी स्टेट, ध्यान से सुनना ये वाली लाइन को, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय से, द सेम पार्टी एक तरह की पार्टी रूल, यानी शासन का रूल, यानी शासन करना बोथ एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, यानी कि राज्य सेंटर में और स्टेट्स में भी एक ही तरीके की पार्टी रूल करी। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स स्टेट गवर्नमेंट्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज एन ऑटोनमस फेडरल यूनिट, यानी कि उसको एक आज़ादी नहीं है अपनी भी कुछ चीज़ें करने के लिए। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेम पार्टी स्टेट में भी है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसको एक अपने तरीके से डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी नहीं है, मतलब कि उसको स्वतंत्र नहीं है कि मुझे भी कुछ नई चीज़ करनी है। एंड वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल बहुत डिफरेंट, यानी कि जो रूलिंग पार्टी होती है स्टेट लेवल पर,
मान लीजिए स्टेट हमारी जो है, एग्जांपल से समझिए आप लोग, सेंट्रल में मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट है जी, ठीक है जी, और दूसरी गवर्नमेंट है स्टेट में, मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो मान लीजिए, या पंजाब में मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर में बीजेपी और पंजाब में हमारी जी कांग्रेस गवर्नमेंट, तो डिफरेंट लेवल हो गया, ठीक है। एज एंड वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट, डिफरेंट पार्टी हो गई, द पार्टी द रूल द रूल्ड एट द स्टेट रूल्ड एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, लोकसभा में बीजेपी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी है, स्टेट लेवल पे जो है हमारी अपोजिशन पार्टी है, दूसरी पार्टी है, तो वो उसकी चीज़ों को अंडरमाइन करती है, उसके पावर्स को कम करने की पूरी पूरी कोशिश करती है, ना ही उसको तो फंड देती है, ना ही उसको कोई भी चीज़ करने से काम करने देती है सही तरीके से, है कि नहीं भाई। दूसरी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी दूसरी पार्टी है भाई, सेंटर में जो बीजेपी है मान लीजिए, और दूसरे में जो है हमारी है कांग्रेस है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो को काम नहीं करने देती है सही तरीके से, इन दो देश में द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स डेट द वर कंट्रोल बाय राइवल पार्टीज, दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। देखिए मैंने आपको बात बोली थी ना पहले की, भाई उसको सही तरीके से काम नहीं करती, इन दो देश में द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, मिसयूज करती है कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट डेट वर कंट्रोल बाय राइवल पार्टीज, दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म की जो आत्मा है जो उसको जो है अंडरमाइन करती है, जो संविधान में लिखा हुआ है उन चीज़ों को अंडरमाइन करती है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, कुछ सिग्निफिकेंटली चेंज किए गए, कुछ बदलाव किए गए, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, कब, 1990 के बाद, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, 1990 के बाद कुछ चेंज की गई, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, यानी कुछ स्टेट्स में जो है कोई रीजनल पार्टीज आई, कोई अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज आई, तो उनके आने से कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 2013 में हमारी जो है आम आदमी पार्टी बनी, पार्टी बन गई जी, उसके बाद जो है दिल्ली में सरकार भी बनाई है ना, इतनी जल्दी सरकार भी बना ली, और वो आप लगा ली पूरी मेजोरिटी के साथ 2015 में भी आ गई है ना, और आप लोग जानते हैं उसने कुछ टाइम के लिए 49 डेज़ के लिए, आप लोग इस बात को जानते होंगे, 49 डेज़ के लिए, 49 डेज़ के लिए क्या किया था, गठबंधन किया था, कॉलिशन किया था, किसके साथ किया था, आम आदमी पार्टी ने, किसके लिए, किसके साथ किया था, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ किया था 49 डेज़ के लिए। आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि कॉलिशन गवर्नमेंट क्या है कि नहीं है, वो आपके, देखिए वो करंट का एग्जाम्पल है बिल्कुल, जो आप लोग, जो आपके सामने हुआ है 2015 में हुआ, ठीक है, दिस वॉज ऑल, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ इरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी कि सेंटर में जो है एक तरीके से कॉलिशन की, एक तरीके से गवर्नमेंट आने लगी। कॉलिशन का मतलब क्या हुआ, देखिए भले ही हम इस बात को बोल सकते हैं कि अभी तक जो है इतिहास के पन्नों में कांग्रेस और बीजेपी के ना गठबंधन नहीं हुआ है, सेंट्रल लेवल पर कांग्रेस बीजेपी के अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है, ठीक है, कॉलिशन गवर्नमेंट यानी कि दो सरकारों को मिलकर बनना, जैसे कि हम हमारे स्टेट में क्या हुआ, हमारे हरियाणा स्टेट में क्या हुआ, एक बीजेपी पहले जेजेपी सरकार ने बनाई है, पूरी मेजोरिटी थोड़ी ना पाई थी बीजेपी गवर्नमेंट ना, बीजेपी लाइन ना कांग्रेस है, जेजेपी, बीजेपी प्लस जेजेपी प्लस बन के दोनों ने सरकार बनाई है कि नहीं। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, कुछ डाउट्स रह भी जाता है स्कूल में ले लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा अभी क्लियर करो सारे डाउट्स को, बाद में कितने डाउट्स लोगे। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर में, इस एग्जाम्पल को मैंने आपको करंट के एग्जांपल से रिलेट किया, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, देखिए कितनी बेहतर लाइन बोलती हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही लाइन बोला है, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा में, आई रिपीट अगेन, अंडरलाइन कर लेना बेसिक, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा में, ठीक है, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इन टू एन अलायंस विद मैनी पार्टीज, यानी कि जो है मेजर नेशनल पार्टी जो हैड टू एंटर करते हैं इन टू अलायंस विद मैनी पार्टीज के साथ, जो है आपने हमारे जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्पीच भी सुनी होगी, उन्होंने 1996 के 1996 के टाइम पे जो है एक तरीके से मतलब कि दो तीन सरकारें मिलकर पार्टी बन गई है, ठीक है, उसी तरीके से सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी लोकसभा में, द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इन टू अलायंस विद मैनी पार्टीज, ठीक है, इंक्लूड सर्वल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी कि रीजनल गवर्नमेंट जो है मिलकर जो है सरकार बना लेती है, किसी ने किसी तरीके से सरकार मिल जाती है, गठबंधन हो जाता है, ध्यान से सुनो, कोलिशन गवर्नमेंट जो है होता है, गठबंधन होता है एक तरीके से, होते ही गठबंधन है।
आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया हो गठबंधन का, कोलिशन का। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट को ऑटोनॉमी मिल जाती है, वो भी अपने सही तरीके से चीज़ों इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी उनकी भी पावर शेयरिंग होने लग जाती है, उनके डिसीजन मेकिंग को भी लोग सुनते हैं, जो भी वो सलाह करते हैं, जो भी एडवाइस देते हैं, उनकी भी एडवाइस भी सुनी जाती है। दिस ट्रेंड वॉज अब आप देखिए थोड़ा सा ये चित्र है, आप बता देता हूँ। द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स, यानी कि स्टेट जो है प्लीड यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको इस डायग्राम से अब चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स, यानी कि प्लीड का मीनिंग क्या होता है, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। प्लीड का मीनिंग क्या हो गया, रिक्वेस्ट करना, यानी कि क्या कह रहे हैं वो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई कटोरा लेके आ गए हैं, भैया हमको भी थोड़ी थोड़ी पावर दे दो, ये खाना लेके खड़े हुए हैं। यानी कि डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दें, द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स, यानी कि और थोड़ी सी हमको पावर भी दे दो। उसके बाद चलते हैं ये पेरल्स ऑफ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट। देखिए कोलिशन गवर्नमेंट का चलाना एक तरीके जोखिम है। पेरल्स का मीनिंग है जोखिम, पेरल्स का मीनिंग क्या होता है, जोखिम ऑफ रनिंग कोलिशन गवर्नमेंट। बात ये देखिए, मान लीजिए आपने देखा था, हमारी जो है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 49 डेज के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई दिल्ली में, आ गई जी सरकार प्लस कांग्रेस की, 49 डेज के लिए चली थी। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी ने अपना इस्तीफा दे दिया कि जी हम तो दोबारा इलेक्शन लड़के आएंगे। इलेक्शन लड़के आए, जीत भी गए, पूरी मेजोरिटी मिल गई, कितनी सीट आई थी जब उनके दोबारा 2015 में इलेक्शन हो गए थे जी, तो 7 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, हो गए जी, 10 तारीख को रिजल्ट आ गया। तो उस टाइम पे जो है आम आदमी पार्टी को मिली थी 67 out of 70, यानी कि 70 में 67 सीटें मिली थी, तो केवल तीन सीटें बीजेपी का, कांग्रेस को 0, ठीक है। और गठबंधन की सरकार एक जोखिम भरा होता है, ये डायग्राम दिया है, ठीक है, इससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं, लिंक कर लेते हैं इस बात को। दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डेट मेड इट डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन आर्बिट्री मैनर। इस बात को कह रहा है कि अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को पसंद कर रहा है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट की कोई राइट्स होते हैं, उनकी कोई डिसीजन मेकिंग होती है अपनी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अपनी चलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की भी सुनी जाएगी। कहने का आर्बिट्री का मीनिंग होता है मनमाने तरीके से, आर्बिट्री का मीनिंग क्या होता है, मनमाने तरीके। ये सारे जो मीनिंग बता रहा हूँ अपनी अपनी नोटबुक में लिखने हैं आपको, और नोटबुक साथ लेके बैठना है, तभी अच्छे समझ पाओगे। उसके चलते हैं उसके बाद, दस इसी प्रकार यानी कि पॉजिटिव सेंस में बोला, दस द फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव। जो फेडरल पावर शेयरिंग है, पावर का शेयरिंग करना है, एक बहुत मोर इफेक्टिव है। कैसे, टुडे मतलब आज जो है, देन इट वाज इन अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, जब तक संविधान आया था ना उसके बाद से, जब हमारा संविधान बन गया था, ठीक है। आप लोग जानते हैं संविधान के बारे में, बार बार बस नहीं बताऊँ कब बना, कितने साल लगे संविधान को बनने में, कितने पैसा खर्च हो गया, कौन कौन सी कंट्री से संविधान लिया गया, ये सब बार बार नहीं बताऊंगा, स्कूल में बता दिया मैंने आपको। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन अर्ली ईयर्स में आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, जब संविधान का फोर्स आया था उसके बाद से एक अच्छा फेज आया है फेडरल गवर्नमेंट का, जब जिसमें पावर शेयरिंग हो रही है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।